नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और तमाम जगहों पर खबरें आ रही हैं कि लोग अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं। जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान नामांकन दाखिल करके आए हैं, क्या कहेंगे? नामांकन मैंने आज पार्टी की तरफ से दाखिल कर दिया है और आपको विश्वास दिलाता हूँ 15 तारीख तक हमारी चुनाव की जो गति है आने वाले दिनों में गति पकड़ेगी। चुनाव की जो प्रक्रिया है, कल मेरे मैं हल्के के 15 कार्यक्रम हैं, आज मेरे 1 से लेकर रात के 9 बजे तक कलानूर हल्के के 15 कार्यक्रम हैं। लगा अब तक हमने 70 गांव कवर भी कर दिए। हमारा प्रयास है 15 तारीख तक हर विधानसभा में 20-20, 30-30 गांव करके कम से कम 300 गांव हम कर लें। उसके बाद आप देखना रोहतक लोकसभा में जननायक जनता पार्टी आपको त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई देगी। किन किन इश्यूज़ को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? रोहतक लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं तो रोहतक लोकसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मातृशक्ति को और खासकर युवा भाइयों को कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव है, क्षेत्रीय पार्टी ही क्षेत्रीय मुद्दों का या क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। आप क्षेत्रीय दलों को, एक साधारण परिवार के बच्चों को एक बार अवसर दे के देखें। हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है काम करने का, क्योंकि हमें ये पता है गरीब की पीड़ा क्या होती है, हमें पता है किसान की पीड़ा क्या होती है, हमें पता है युवा भाइयों को जो बेरोजगारी की समस्या है वो पीड़ा क्या होती है। आपने क्षेत्रीय दलों का जिक्र किया, लोगों द्वारा कहा कि मौका दे के देखें, मौका दे के देखा था लेकिन सरकार के अगेंस्ट वोट मांग के सरकार की गोदी में जाके बैठ गई पार्टी आपकी। पिछली बार लोकसभा में हमारे 21,250 वोट आए थे। अवसर दिया होता तो मेरा छोटा भाई प्रदीप देसवाल सांसद होता। अवसर दे के देखो संसद में, जब ये आपका भाई, आपका बेटा, रोहतक लोकसभा का बेटा जब संसद में जाएगा, खरकड़ा मेरा गाँव, 24 का बेटा हूँ मैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा, मेरे खून में ना तो कभी गद्दारी मिलेगी ना मक्कारी मिलेगी। रविंद्र सांगवान 25 तारीख 6 बजे तक संगठन के साथियों के साथ जीत के लिए लड़ेगा। काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं, काफ़ी एक हॉट सीट माना जा रहा है रोहतक को, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार सांसद रहे हैं, उनके फादर साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनके मुकाबले कहाँ खड़ा पाते हैं आप अपने आप को? पहले तो आपके माध्यम से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय, उनसे पूछना चाहूँगा, लोकसभा का सांसद बनना है तो उनका परिवार, राज्यसभा का सांसद बनना है तो उनका परिवार, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो स्वयं बनना है, विपक्ष का नेता बनना है तो स्वयं बनना है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो अब राज्यसभा के सांसद थे, कांग्रेस में मेरे जैसे किसी साधारण परिवार के बच्चे को टिकट देते जो 20-30 साल से उनकी जय बोलता। हमें भी ये लगता, रोहतक लोकसभा के लोगों को ये लगता कि कांग्रेस भी साधारण परिवार के बच्चों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन नहीं, चौधर की बात आती है तो नारा देते हैं रोहतक के लोगों की चौधर, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है तो खुद के परिवार के अलावा इनको कोई नहीं दिखाई देता। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये रविंद्र सांगवान थे, तफसील से बताया है कि क्या एजेंडा लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और बड़ा दावा ये किया है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको हरा के ये संसद का रुख करेंगे, ऐसा इनका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।